देखिए आज मैं आया हूँ किशनपुर ब्लॉक और यहाँ बहुत सारा भीड़ इकट्ठा है, तो इन्हीं लोगों से जानना चाहता हूँ आखिर क्या बात है कि ये लोग कहाँ से आए हैं और क्यों जमा हुए हैं। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? बेली सुपुरी से 10 नंबर वार्ड से। 10 नंबर वार्ड से? 10 नंबर वार्ड से हम लोग आए हैं सचिव बनाने के लिए, लेकिन यहाँ वार्ड सदस्य नहीं है, सब फरार है, कोई नहीं है, ना कोई पदाधिकारी है अभी तक। हम लोग बैठे बैठे 1 बज रहा है। शिवपुरी पंचायत से हैं और वार्ड नंबर 10 का सचिव का चुनाव था आज, लेकिन वहाँ पे ये लोग जो है बताया जा रहा है कि 9 बजे से ही लगभग सब इंतजार कर रहे थे और वहाँ तो न तो वार्ड सदस्य और न ही कोई पर्यवेक्षक कोई पदाधिकारी पहुँचे, जिसके कारण ये लोग जो है उठ के सभी आदमी ब्लॉक परिसर में आ गए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? बेली सिपुरी से, 10 वार्ड से। क्या था आज? सचिव चुनाव से। क्या हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ, कहो ना है कुछ आप लोग? नहीं हुआ, नहीं हुआ तो की भाग गए ले सदस्य के ले जा के ले सदस्य रहे छे ये ले आके दिखा दे। कल हम लोग को बोला था आने के लिए, अभी फिरार हो गया। इधर ये लोग इस ऑफिस के तरफ जा रही हैं, सभी महिलाएं और पुरुष लोग भी हैं, तो यहाँ जानते हैं क्या कारण है, क्यों आए हुए हैं ये लोग। के छे तक कोई पदाधिकारी छे? क्या हुआ, आप लोग कहाँ आए? मीटिंग में आए। क्या, कौन मीटिंग? सचिव का चुनाव में आया। क्या हुआ, चुनाव नहीं हुआ? नहीं हुआ चुनाव। काहे नहीं हुआ चुनाव? वार्ड सदस्य नहीं है। हम लोग को बोला था आज है 25 तारीख, 25 तारीख को है ना सचिव वाला है, तो हम लोग सब आए हैं, ठीक है सर, 9:30 बजे से वहाँ पे है, वार्ड सदस्य आया वहाँ से निकल गया सर। तो आप बताइए, हम लोग यहाँ 100 से ऊपर आदमी है, क्या कैसे करेंगे, और वहाँ भी बैठा है पंचायत भवन में। हिसाब से कोई भी अगर वार्ड सदस्य वार्ड सभा नहीं करेगा तो उसका वार्ड सभा को या वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का जो गठन करेगा इलीगल तरीके से, उसको जिला स्तर से हम DPRO सर को बोल के कैंसिल करा देंगे। आप लोग निश्चिंत होकर रहिए। अब मेरी बात एक बार बोलने दीजिए। विभाग का गाइडलाइन है कि वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में वार्ड सभा होगी और उसकी अध्यक्षता में ही वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति गठित होगी। ये शिकायत कहीं कहीं से आया है, जैसा आप सिचुएशन देख रहे हैं बिल्कुल सही बात है, हो सकता है ऐसा। ये मैसेज हम जिला तक पहुंचा देंगे। अगर वो इलीगल तरीके से रजिस्टर बना लिया है या रात में घूम के साइन करवा, ये सब मैसेज मिला है कि घर में ही बैठ के बुला के साइन करवा लेता है, तो उसका वो इलीगल होगा, उसको हम वैलिड नहीं मानेंगे। नियम से वार्ड सभा करेगा जिसमें आप लोग बहुमत से चयन करेंगे और वही वार्ड सचिव बनेगा, ठीक है? बार बार आप सर निकालिएगा, नहीं नहीं यहाँ हल्ला गुल्ला शुरू हो गया है और ये कोई पदाधिकारी जी हैं, इनसे जानते हैं आखिर क्या कारण है, चुनाव क्यों नहीं हुआ। अपने मन से तो नहीं लाए हैं मजदूरी, कौन देगा? हल्ला में कीजिए, हल्ला में कीजिए। क्या हुआ, आप लोग बहुत हल्ला कर रहे हैं? आज जो कल वार्ड सदस्य बोला था 25 तारीख को सचिव का सुनो, इससे पहले भी हुआ था, तो वार्ड सदस्य नहीं था, उसका कोई माइंड नहीं दिया था, लेकिन आज जो कल वार्ड सदस्य बोला था सबको जाके, आज 25 तारीख को है, लेकिन वार्ड सदस्य वहाँ पे नहीं आया, नहीं कोई अधिकारी था। कौन पंचायत से है, कौन वार्ड से है, बताइए? शिवपुरी वार्ड नंबर 10। अच्छा, पहले भी चुनाव हुआ था? इस एक बार और हुआ था। पहले क्या हुआ था? पहले वार्ड सदस्य चले गया, बोला लड़ाई हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, निकल गया। आज क्या दिक्कत है, थोड़ा डिटेल में बताइए। आज क्या डिटेल में बताएंगे, आज तो आप लोग देख ही रहे हैं, इतना आदमी आया है, वार्ड सदस्य नहीं है, कोई पदाधिकारी नहीं है यहाँ पे,
सचिव चुनो है। हम लोग सचिव चुनो कर रहे हैं उमेश यादव को, जो है हम लोग जो उससे पहले भी दिए थे आज भी कह रहे हैं। अच्छा। इतना आदमी है बोलिए ये सब। अच्छा तो एक बार सबसे जो है पूछना चाहते हैं कौन कौन कैंडिडेट हैं इसमें। अच्छा तो अभी जो है मतलब ये लोग सभी मतदातागण जमा हैं, ब्लॉक में आए हुए हैं। एक बार यहाँ पे हम चाहते हैं कि दोनों कैंडिडेट में किसके तरफ ज्यादा है, हाथ उठा के यहाँ पे वोटिंग करवाते हैं। तो उसका नाम क्या है, एगो जो और है, तो इसमें जो है हम यहाँ पे जानना चाहते हैं। वार्ड सचिव में दो कैंडिडेट हैं, एक उमेश यादव हैं और एक मोहम्मद फालूद हैं। तो सारा जो यहाँ वोटर लोग है सब जमा है, इकट्ठा है, तो इसमें हम देखना चाहते हैं कि किसके तरफ जो है कौन सा कितना वोटर है। अच्छा आप लोग ये बताइएगा कि दो कैंडिडेट है आप लोग का वार्ड सचिव में, एक उमेश यादव हैं और एक मोहम्मद फालूद हैं, तो मोहम्मद फालूद के तरफ कितना वोटर हैं एक बार हाथ उठाइएगा। मोहम्मद फालूद के तरफ कोई इसमें वोटर हैं तो हाथ उठाइएगा। कोई है वोटर? कोई नहीं है। चलिए अच्छा उमेश यादव का जो है वोटर कौन कौन है हाथ उठाइएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितना भी इकट्ठा है, भीड़ इकट्ठा है, जो भी वोटर लोग आए हुए हैं सभी उमेश यादव के तरफ हैं। तो ये एक तरह से देखने वाली बात है। हमको तो लगता है कि इनका चुनाव पक्का हो जाना चाहिए, इनमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा क्या नाम हुआ? चंदन पासवान। वार्ड नंबर 10, पंचायत सुपुरी। कहाँ आए थे? सचिव का गठन था। थोड़ा जोर से बोलिए। सचिव का गठन था। क्या हुआ, क्या दिक्कत है? वार्ड सदस्य नहीं आया है। आप लोग किसके तरफ हैं? उमेश प्रसाद यादव। उनको चुन रहे हैं कैंडिडेट? 100%, 200 आदमी साथ में हैं। अच्छा इसमें जो है ऐसा तो नहीं ना है कि सब एक ही पक्ष का जो है वोटर सब है? दोनों तरफ का है। दोनों तरफ का है, लेकिन यहाँ पे जब हम हाथ उठवाए तो लगभग 100% जो है उमेश यादव का वोटर यहाँ पे नजर आया। तो इससे साफ होता है कि ये लोग जो है अपना कैंडिडेट चुनना चाहते हैं शिवपुरी पंचायत से वार्ड नंबर 10 का सचिव के लिए। उमेश यादव को ये लोग कैंडिडेट चुनना चाहते हैं। क्या आप लोग जो है उमेश यादव के तरफ हैं क्या? सभी आदमी हैं। इधर भी हैं थोड़ा, ये लोग से जानते हैं, हर ये लोग थोड़ा पढ़े लिखे लग रहे हैं, ये लोग से भी पूछते हैं। चुनाव में आए? चुनाव में आए हैं। क्या हुआ, हो गया? नहीं, वार्ड सदस्य नहीं आया यहाँ। ब्लॉक में क्यों आए? कोई हाकिम नहीं गया वहाँ पंचायत भवन में, नहीं कोई हाकिम गया नहीं वार्ड सदस्य आया, इसलिए हम लोग गरमा करके यहाँ आए, जनता आए थे। समय दिया हुआ था? क्या समय दिया हुआ? हाँ समय दिया हुआ था, 11 बजे टाइम दिया था। हम लोग 9 बजे से 9:30 बजे से बैठे हैं वहाँ पर, नहीं आया। अभी 1 बज रहा है। अच्छा ये लोग का कहना है कि पंचायत भवन में जो है आयोजित किया गया था वार्ड सचिव चुनाव के लिए, लेकिन वहाँ कोई न तो पदाधिकारी और न ही वार्ड सदस्य पहुँचा, जिसके कारण ये आप देख सकते हैं। इधर देख सकते हैं जितना भी वोटर लोग थे सभी उठ के यहाँ ब्लॉक परिसर में आ गए हैं। और ये लोग का कहना है कि यहाँ पे चुनाव फाइनल हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बार बार नहीं आएंगे। इनमें ज़्यादातर 90% हमको लगता है मजदूर लोग हैं, तो इससे पहले भी चुनाव हुआ था तो उसमें हो हल्ला के कारण स्थगित कर दिया गया था। इधर ऑफिस में जो है कुछ पदाधिकारी गण है, एक बार ऑफिस में चलते हैं और जानते हैं कि क्या कारण है आखिर। नमस्कार सर। नमस्कार
सर वार्ड नंबर 10 का जो है शिवपुरी पंचायत से आज सचिव के लिए चुनाव का आयोजन किया गया था, तो मैं वहां पहुंचा था पंचायत भवन के अंदर, तो वहां मालूम चला कि जो भी कैंडिडेट हैं अगले पक्ष का और जो पदाधिकारीगण होते हैं चुनाव में भाग लेने वाले, तो वहां पहुंचे नहीं, तो जिसके कारण से सभी जो है यहां वोटर लोग इकट्ठा हो गया है ब्लॉक परिसर में। तो सर ये हमको जहां तक मालूम चला कि एक उमेश यादव जी हैं कैंडिडेट और एक मोहम्मद फालूद हैं, तो इससे पहले भी चुनाव कराया गया था, किसी कारणवश जो है स्थगित हो गया, तो आज जो है ये लोग यहाँ इकट्ठा क्यों है सर? ये तो मुझे विशेष जानकारी, लेकिन अभी इन लोगों से ही पता चला कि वार्ड सदस्य वहाँ पे वार्ड सभा में नहीं है, और उन्होंने मोबाइल, अभी मैंने डायल किया नंबर तो मोबाइल स्विच ऑफ रखा है, जबकि उसको अभी वार्ड सभा होना चाहिए और वार्ड सभा में उसको उपस्थित होना चाहिए, क्योंकि वार्ड सभा जो है वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में होता है और उसी वार्ड के सभी लोग होते हैं, बाहरी हम लोगों की कोई विशेष उसमें भागीदारी नहीं होती है, खाली हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं या हमारे जो सरकारी कर्मी होते हैं गाइडलाइन वहाँ बताते हैं कि आपको इस तरह वार्ड सभा करना है, ये पूरी की पूरी अध्यक्षता जिम्मेदारी भी होती है और उनकी अध्यक्षता में ही होता है, पूरी जिम्मेदारी वार्ड सदस्य की होती है कि सही तरीके से और पारदर्शी तरीके से वो वार्ड सचिव का चयन करें और वार्ड सभा संपन्न कराएं और उसके साथ वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति को जो विभाग का दिशा निर्देश है उसके अनुकूल उनको गठन करना है, ये पूरी की पूरी जिम्मेदारी वार्ड सदस्य की होती है। यहाँ पे पहले प्रथम दृष्टिया वार्ड सदस्य की लापरवाही दिख रही है, आगे मैं ऊपर में जिला पंचायत राज पदाधिकारी को भी इसकी सूचना दे चुका हूँ, आगे जैसा उनका मार्गदर्शन। सर अभी मैं यहाँ सभी वोटरों से पूछा तो सभी वोटरों का कहना है कि हम लोग बार बार चुनाव में नहीं आएंगे, क्योंकि ज़्यादातर 90% जो है मजदूर लोग हैं, तो इन लोग का कहना है कि पहले भी स्थगित किया गया है और ये दोबारा चुनाव है। स्थगित नहीं किया गया था, पहले चुनाव पंचायत सचिव द्वारा करवाया गया था, चुनाव होने के बाद जो है 3 कैंडिडेट उसमें नॉमिनेशन दिया, नॉमिनेशन में 1 कैंडिडेट को जो है 10 मत मिला, 1 कैंडिडेट को 54 मत मिला, तीसरे कैंडिडेट को 78 मत मिला, पूरा पंचायत सचिव सारा कागजात लिख के आपके यहाँ ऑफिस में दे दिया गया प्रियंका के यहाँ, प्रियंका बोली जो हम सर के पास जो है इसको भेज देते हैं जो डिसीजन करे, आपको जिसने बतलाया जो ये गलत हुआ है तो आप उसको निरस्त कर दिए, फिर दूसरा टाइम निकालिए, फिर आज वही हरकत है उनके पास कर रहा है, तो इसलिए आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कीजिए, उच्चाधिकारी को भेजिए जो क्यों ऐसा करता है। अच्छा इनसे जानते हैं जो इनका परिचय क्या है, आपका नाम क्या है? उमेश प्रसाद यादव। कैंडिडेट है? कैंडिडेट हाँ, एक पहले जो चुनाव किया गया था उसका सारा कागजात आपके ऑफिस में जमा कर दिया गया है, अब फिर भी आपने उसको कैंसिल कर दिया, उसको कैंसिल करने का कुछ कारण होगा, उस पे जब आवेदन आया होगा उस आवेदन में कुछ न कुछ उस हमारे चिट्ठी में नियमावली में लिखा था कि जब वार्ड सदस्य का चयन होता है वार्ड सचिव का चयन करते हैं तो वार्ड सभा को 2-3 मिनट का वीडियो बनाना है, अगर आपके पास वो वीडियो है जिसमें कि आप विजयी घोषित किए गए हैं तो वही वार्ड सभा को हम चालू रखेंगे, जैसे आज बाधित हो चुकी है, अगर आप पूरी तरह साक्ष्य दे देते हैं कि वो वार्ड सभा सही था, उस दिन हम प्रथम दृष्टया जांच करवाए थे तो उसमें आपका वो जो वीडियो था वो क्लियर स्पष्ट हमारे पास नहीं आ पाया था, इसलिए दूसरी जानकारी मिली जब आवेदन आया तो उस पर हमने दूसरा किया। यहाँ पे वार्ड सदस्य की थोड़ी सी लापरवाही दिख रही है प्रथम दृष्टिया, आगे हम बात कर लेते हैं। सर क्या होगा सर? मतलब सर पंचायत सचिव नोडल पदाधिकारी आपको लिख के दे दिया है तो उसमें आपको निर्णय लेना चाहिए, उसको कैंसिल करने की कोई जरूरत नहीं थी, आपने कैंसिल कर दिया है फिर आज वही कर रहा है। मैं हम आज भी डेट दिए फिर भी हम सारे जनता को उपलब्ध किए उसमें चुनने के लिए, लेकिन आपका न नोडल पदाधिकारी है न पर्यवेक्षक जिसको बनाए वो है, तो ये क्या तरीका है?
सर आज जो दूसरी बार चुनाव हो रहा है तो सारा वोटर लोग तो आपके सामने हैं, आखिर इसका कोई तो रास्ता होगा ना? और वोटर लोग का भी कहना है कि हम लोग अब दोबारा आएंगे नहीं, क्योंकि बार बार बुलाया जाता है चुनाव में और वार्ड सदस्य जो है फरार हो जाता है, भाग जाता है। तो ऐसे में चुनाव का आखिर कोई तो रास्ता होगा, और आज जो चुनाव हो रहा है तो इसमें जो भी वोटर है सभी मैं देख रहा हूं कि यहां पे प्रेजेंट है, तो आखिर आज का तो कोई न कोई रास्ता होगा, या तो स्थगित होगा या चुनाव मान्य कराया जाए। आप एक बार अपने से पूछ लिया जायजू क्या आप लोग किनके पक्ष में हैं, और बोल दीजिए उन लोगों को चला जाएगा। अगर ऐसी कोई नियमावली है तो यहाँ पे जो है अगर फाइनल हो जाए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मजदूर लोग हैं सर, और वो लोग खेती बाड़ी अपना काम छोड़ के आते हैं। वार्ड सदस्य, देखिए वार्ड सभा जो होती है वो कभी भी वार्ड सदस्य की अध्यक्षता में होती है, उसके लिए कोई भी नहीं कर सकते, दूसरा कोई उसको नहीं करा सकते, अध्यक्ष उसमें वार्ड सदस्य ही होगा। बची वार्ड सदस्य अपनी वार्ड सभा को सही तरीके से नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी हम इसकी जवाब दे ही उनको सौंपते हुए हम आगे जिला पंचायत राज पदाधिकारी को इसकी सूचना दे देते हैं, फिर उनके स्तर से जो विभागीय कार्रवाई होगी जो होगी वो कर लेंगे। वार्ड सदस्य का तो इसमें जो है 100% लापरवाही देख रहे हैं, और बार बार ऐसे भाग जाएगा चुनाव में, तो आखिर इसका निराकरण कैसे होगा? इससे तो सभी का जो है समय का बर्बादी होता है। इसकी सूचना हम वरीय पदाधिकारी को दे चुके हैं, वहां से जैसा मार्गदर्शन आएगा वैसे काम हम लोग कर लेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने सुने बीपीआरओ साहब से मैंने बात किया तो उनका कहना है कि जो वार्ड सदस्य हैं बार बार फरार हो जाता है, चुनाव में उपस्थित नहीं रहता है, तो ऐसे में जो है उन्होंने भी माने कि 100% जो है वार्ड सदस्य का लापरवाही है, और इसको हम आगे जिला सूचना कर दिए हैं, और वहां से जो भी उचित कार्रवाई होगी किया जाएगा, तो देखते हैं अगला क्या होता है इसमें। और यहां भी हमने सारे वोटर से भी बात किए तो इन लोगों का भी कहना है कि वार्ड सदस्य का जो है इसमें पूरा का पूरा लापरवाही है। जो क्या नाम है वार्ड सदस्य का, कोई है इधर? विभा देवी। सदस्य का नाम विभा देवी है, वो बार बार जो है उनके पति के द्वारा लापरवाही किया जाता है। अच्छा अच्छा, तो सभी का कहना है, यहाँ पे जितने भी वोटर हैं सभी का कहना है कि वार्ड सदस्य का ही लापरवाही है, और वो चुनाव के समय में फरार हो जाता है, भाग जाता है। क्या हुआ? बहुत बहुत आक्रोश में है, क्या हुआ? बहुत दिक्कत सब तब ने बोल रहा है। क्या हुआ, क्या बताइए? वार्ड सदस्य का कहाँ गया सो? सुपौल जिला कर लड़ता है। कौन वार्ड सदस्य? हाँ, कहीं सुपौल गया है। अच्छा, चुनाव का तो समय दिया गया था ना, तो काहे भाग गया वार्ड सदस्य? समय दिया है, सब पब्लिक 8 बजे से है, एकरा को शर्म नहीं है। देखिए बहुत बहुत ही ज्यादा आक्रोशित है जो भी वोटर है, वार्ड सदस्य के प्रति बहुत ही ज्यादा आक्रोशित है, तो ऐसे में हमें लगता है कि इन लोगों को जो भी पदाधिकारी गण है कुछ न कुछ जो है इसका हल निकालना चाहिए। बार बार चुनाव होगा तो आप लोग आइएगा चुनाव में? नहीं 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 आवेगा, हम लोग भूखा है, मर रहा है। ये तो दोबारा चुनाव है ना, हमको रोज है एक दिन के 500 रुपया सरकार देगा रोज। पदाधिकारी लोग कहेंगे कि अब तीसरा बार चुनाव होगा तो आप लोग आइएगा वोट देने? नहीं 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 आवेगा। इधर भी पूछते हैं ये लोग से। हाँ इधर बताइए, फिर से चुनाव होगा तो आइएगा आप लोग? देखिए हम लगभग सभी वोटर से पूछ लिए हैं एक एक करके कि अगर मान लीजिए आप लोगों का चुनाव अगर तीसरी बार कराया जाए तो आप लोग आइएगा कि नहीं, तो इन लोगों का कहना है कि नहीं, अब हम लोग बार बार चुनाव में नहीं आएंगे वोट देने, हम लोग मजदूर लोग हैं। छोड़ के चुनाव में अब नहीं आवे तो नहीं आवे।
देखिए बहुत ही ज्यादा आक्रोशित है ये लोग, और कहना है इन लोगों का कि अभी जो है कोई न कोई हल निकाला जाए। हम लोग उमेश यादव को चुने हैं, इनको जो है वार्ड सचिव बनाया जाए, और अब दोबारा तिबारा जो है इलेक्शन नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा। हाँ तो आप लोग वार्ड सचिव मानते हैं उमेश यादव को? हाँ, माना चाहिए, माना चाहिए। सभी लोग उमेश यादव को वार्ड सचिव मानते हैं? हाँ मानते, दिल से मानते हैं। उमेश दिल से मानते हैं, कोई गलत से नहीं मानते हैं, दिल से मानते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं ये जो जितने भी वोटर हैं सभी उमेश यादव को चुनने के लिए अग्रसित हैं। इन लोगों का कहना है कि उमेश यादव अब जो है ये लोग देख सकते हैं, ये लोग वीडियो साहब से मिलने के लिए चाह रहे हैं। तो अभी शायद वीडियो साहब है नहीं, कहीं पे जांच में गए हुए हैं। लोग से पूछते हैं, वीडियो साहब से मिलना है आपको? हाँ, वीडियो साहब से मिलना है। आप लोग को वीडियो साहब से मिलना है? हाँ, वीडियो साहब से मिलना। देखते हैं वीडियो साहब है कि नहीं अंदर में। देखे देखे देखे। यही वीडियो साहब का चैम्बर है, देख सकते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी किशनपुर। तो खाली है, नहीं है वीडियो साहब क्या? अभी नहीं है वीडियो साहब, खाली है, खाली है। अच्छा, बड़ा बाबू आओ इधर। वार्ड बीपीआरओ? नहीं, उनसे हम बात कर चुके हैं सर, आपसे नहीं, नहीं आपसे सिर्फ हम ये पूछ रहे हैं सर कि वीडियो साहब कहाँ है, खाली है चैम्बर? हाँ खाली चैम्बर, अभी थे वो सुबह में थे। अच्छा। इसके बाद हो सकता है डेरा गए हों या फील्ड गए हों। जी जी, वही पूछना चाह रहे थे। तो देख सकते हैं अभी वीडियो साहब कहीं गए हुए हैं, तो जैसे आते हैं फिर हम जानकारी लेने का कोशिश करते हैं। देख सकते हैं पूरा जो है ब्लॉक परिसर भरा हुआ है। वार्ड नंबर 10 का जो चुनाव है वार्ड सचिव का शिवपुरी पंचायत से। जी क्या बोले, कुछ बोले सर क्या? हाँ, परिचय थोड़ा सा दिया जाए अपना। जी हम DNY न्यूज से हैं, DNY न्यूज BR। ये मेरा ID कार्ड है सर। तो कोई पदाधिकारी गण है ब्लॉक में, तो इन्होंने बोले कि आप कहां से हैं, कौन से? जरूरी है। जी जी, आप और सर आपका भी परिचय जानना चाहेंगे? हम ब्लॉक कोऑर्डिनेटर यहां के, स्वच्छता के। अच्छा अच्छा। तो इन लोगों का जो चुनाव का मामला था वार्ड सचिव का के, और अंतिम निर्णय क्या हुआ है ना चाहते हैं। वीडियो साहब से मिले क्या? नहीं मिले, उसका चैम्बर में गए। ठीक है, वीडियो साहब फोन से भी बात हुआ, बोला जो BPR साहब बोल दिया है वही होगा। क्या बोले हैं BPRO साहब? बोला कैल्सिन होगा नहीं होगा, ठीक है जो हो गया वही होगा, आज का जो कर दिया है। क्या कर दिया है क्लियर बताइए ना। क्लियर ये हुआ है चुनाव जो आज हुआ है हम लोग का, ठीक है, वार्ड नंबर 10 का वही होगा, और कैल्सिन गुलसिन नहीं हुआ। इससे पहले भी जो हुआ था तो जिसको चुना था एक नंबर में जो था उसी का होगा। अच्छा, किस कैंडिडेट के पक्ष में चुनाव हुआ है, कौन बने हैं वार्ड सचिव? वार्ड सचिव उमेश प्रसाद यादव। अच्छा अच्छा। तो इन लोगों का भी कहना है साफ तौर पे कि जो एक उमेश प्रसाद यादव है कैंडिडेट वार्ड सचिव से, तो उन्हीं को चुना जाएगा जैसा कि BDO साहब का निर्देश है। तो आप सुने जनता को, पब्लिक लोग जो आए हुए थे यहाँ पे, जो भीड़ इकट्ठा था, आपको इनका जो है सारा, इनका जो कहना है वो आपको सुना दिए।